अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप होंगे बिल्कुल खैरियत से। वेलकम टू माय चैनल। तो जी ये है आयशा। आयशा अज़ान होते ही मांगती हैं दुआ, तो इनकी सुनाती हूँ मैं आपको अभी रियल आवाज़। और आगे की मस्ती देखिए उसकी अपने पापा के साथ किस तरह से मस्ती कर रही हैं। आयशा हट जाओ, नहीं हटेगी, क्यों नहीं हटेगी, पापा का दुख रहा है पेट, हट जाओ। तो जी देखा आपने किस तरह से मस्ती कर रही है अपने पापा के साथ, बस इस तरह से रौनक बनाए रखी है हमारे घर की। तो जी मैं कर रही थी लंच की तैयारी, तो बनाने जा रही थी चने की दाल गोश्त। सोचा आपसे रेसिपी शेयर करती चलूं। तो यहाँ पे चने की दाल है मेरी एक गाँव में, और यहाँ मेरा गोश्त, मैंने एक प्याज में अभी फिलहाल सिर्फ प्याज नहीं गोश्त फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट में आप देख सकते हैं मसाले डाल रखे हैं। इसमें 2 टेबलस्पून धनिया है, 1 टेबलस्पून मिर्च है, हल्दी है 1/2 चम्मच, और सॉल्ट है टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने लहसुन अदरक में ही भिगा के रखा ताकि मसाले फूल जाएं। तो मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ और अच्छे से भून लेती हूँ अपना गोश्त। तो मैं गोश्त में पहले सीटी नहीं लगाऊंगी। तो जी चने की दाल और गोश्त में 7-7 सीटियाँ लगेंगी, तो इसलिए मैं बहुत जो सारा मसाला डालकर बहुत अच्छे से गोश्त को भून लेंगे पहले। तो देखिए गोश्त मेरा भुन चुका है, इसने रोगन छोड़ दिया है। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी चने की दाल, ये मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो दी थी। और इसमें इतना वाटर ऐड कर देंगे जिसमें हमारी चने की दाल गल जाए। तो मैं अब लगा लूँगी इसमें 3 से 4 सीटियाँ। तो दाल मैंने ऐड कर दी है, अब इसमें ऐड कर देंगे अपना वाटर। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपसे एक ही दरख्वास्त है जो हमेशा रहती है, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें। तो जी मैंने अपना वाटर ऐड कर दिया है, बहुत ही लजीज सा डिश है, बहुत मज़ेदार चने की दाल गोश्त की चावल के साथ, रोटी के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग तो ज़्यादातर चावल के साथ ही पसंद करते हैं, तो इसका भी एक अपना ही जायका है चने की दाल गोश्त का। तो जो वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, चम्मच अच्छे से चला देंगे, इसमें लगा लेंगे 3 से 4 सीटियाँ जिसमें हमारी दाल भी गल जाएगी और गोश्त भी गल जाएगा। तो जी देखिए सीटियाँ मैंने खोल ली हैं, अब ये हमारी दाल टेंडर हो चुकी है और गोश्त भी टेंडर हो चुका है। अब इसे हम वाटर ऐड करके कम से कम 10 मिनट ऐसे ही खोल कर पकाएंगे हल्की आँच पर। यहाँ पर मैंने कुछ 6 से 7 हरी मिर्च हैं और 1 इंच का टुकड़ा है जो मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, तो ये भी इसमें ही जाएगा। इसको डालकर हम 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे खोलकर हल्की आंच पर। तो अच्छे से चम्मच चला दिया है मैंने, तो इसको पका लेते हैं 10 मिनट के लिए। क्योंकि देख सकते हैं टेंडर एकदम हो चुकी है हमारा दाल गोश्त। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया है ऐड कर दूँगी और 1/2 चम्मच गर्म मसाला पिसा हुआ। तो ये 1/2 चम्मच गरम मसाला ये मैं इसमें ही ऐड कर दूंगी। अच्छे से चम्मच चला देते हैं, अच्छे से चम्मच चला देंगे। अब इसमें भी लगाऊंगी मैं भगार, भगार के लिए मैंने लिए 1/2 चम्मच हींग, और ये है कुछ साबुत लाल मिर्च, पहले यही डालूंगी, और 1/2 चम्मच जीरा। तो पहले लाल मिर्च को हम एकदम कड़क कर लेते हैं करारा। तो जी मिर्च मेरी हो चुकी है करारी, अब इसमें डाल दूंगी हींग और जीरा। बस इसी चीज़ का भगार इसमें जाने वाला है, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती हूँ। तो लगा देते हैं अपनी दाल गोश्त में भगार। तो तैयार है हमारी मज़ेदार दाल गोश्त, एक बार ज़रूर से ट्राई करें। यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी पक चुकी हैं, देख सकते हैं आप रोटियाँ मेरी तैयार है एकदम। तो लंच की तैयारी हो चुकी है, यहाँ कुछ बच्चे हैं ये हमारे यहाँ के पड़ोस के जो कि रोज़ पढ़ने आते हैं, रिदा भी इनके साथ पढ़ लेती हैं सिपारा। तो ये लंच हो चुका है कंप्लीट, सबने लंच कर लिया है और किचन मैंने अपना कर दिया है क्लीन। लंच के बाद बर्तन सारे साफ़ कर दिए हैं, सिंक मेरी बिल्कुल साफ़ है, एक भी बर्तन गंदा नहीं है देख सकते हैं आप। तो लंच के बाद मैंने सब क्लीन कर दिया है। यहाँ पर किचन में मैंने अपने पर्दे लगा दिए हैं, मौसम कुछ मच्छरों का चल रहा है और डेंगू से तो वैसे इस महीने में बहुत डर लगा रहता है,
तो इस वजह से मैंने लगा दिए हैं ये पर्दे जिससे मच्छर नहीं आते हैं। नाइट में हम पूरा बंद कर देते हैं, फायर की वजह से और ज़्यादा यहाँ मच्छर आते हैं। बस आज के लिए इतना ही नादिन, फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।